ओके, क्रॉप करके इसको दूसरी जगह ले जाते हैं। ये हमारा क्रॉप हो गया और ये हमारा बोर्ड पे दिखने लगा। सही से दिख रहा है? कुछ नहीं, नहीं नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट करते हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं। तिवारी पूछ तिवारी एंड देव एक कार्य को 2 घंटे में करते हैं, उसी कार्य को तिवारी और हरि 3 घंटे में करते हैं, देव और हरि उसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं। अब स्टेटमेंट है इसके अलावा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तिवारी एंड देव लिख लो, टी एंड डी, ठीक है, टी एंड डी। टी एंड डी एक कार को 2 घंटे में करते हैं, मीन्स 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/2 पार्ट, टी एंड डी, ठीक है, टी एंड डी 1/2। हमेशा जब कोई कार की बात आए तो क्या कर देते हैं? कार डे की बात है, 1/2, एक दिन का निकाल लेते हैं या 1 घंटे का निकाल लेते हैं, एक काम करेगा करते हैं उसी कार को तिवारी एंड हरी, टी एंड हरी इज इक्वल टू कितना करते हैं? 3 घंटे में पूरा करते हैं, मीन्स 1/3, 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 1/3। टी एंड डी इक्वल टू 1/2, टी एंड एच इक्वल टू 1/3। फिर लिखा है डी एंड एच उसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं, कौन कौन? डी प्लस एच उसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं, मीन्स 1/6 हुआ, 1 घंटे में। सॉरी, 1/6 पार्ट। आया समझ में? नहीं आया? अब देखो यहां पे क्या करें, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर देते हैं, इनको क्या करें, ऐड कर देते हैं। क्या क्या लिखा था हमने? टी एंड डी, टी प्लस डी इक्वल टू 1/2, 2 घंटे में काम करते हैं, उसी कार्य को तिवारी और हरी, टी एंड एच कितने में करते हैं? 1/3 में करते हैं, एंड डी और एच, डी प्लस एच उसी कार्य को 1/6, 6 घंटे में करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करें, अब हम करते हैं इसका सम, सम करेंगे तो 2 टाइम्स टी प्लस डी प्लस एच आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसका सम कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, दिस इज इक्वल टू 1। तो टी प्लस डी प्लस एच कितना निकलेगा? टी प्लस डी प्लस एच इज इक्वल टू निकलेगा 1/2, मीन्स तीनों मिलके जब काम करते हैं तो 2 घंटे लगेंगे। आ रहा समझ में? तीनों मिलके टी डी एच तीनों मिलके काम करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे, और यहां पर लिखा है तिवारी और डी दो देव दोनों मिलके 2 घंटे लेते हैं, 1/2। तो यहां से इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल रहा हमारा? यदि एच इसमें जोड़ा जा रहा है तब भी तो ये हमारा बराबर ही रहता है, दिस मीन्स एच कितना काम करता है? कुछ भी काम नहीं करता है। समझ में आया? हरी कोई भी काम नहीं करता है, पहली चीज। लेकिन पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट,
तो क्या लिखा है कि हरि सबसे तेज कार्य करता है, यही नॉट करेक्ट हो गया आपका। और दूसरे स्टेटमेंट लिखा तिवारी अकेले तीन घंटे में कार्य करता है, तो क्या करें टी प्लस डी प्लस एच इक्वल टू वन बाई टू, तो यहां से टी प्लस डी इससे ये घटा दें तो एच इक्वल टू जीरो निकल के आ जाएगा, राइट। अब इसमें से इस इक्वेशन से इसको घटा दें तो क्या निकल के आएगा टी प्लस एच यानी कि डी निकल के आएगा कितना वन बाई, यहां से तो कितना निकल के आएगा 3 माइनस 2 1 बाई 6। तो क्या लिखा कितने घंटे में करता है 6 घंटे में, तो ये भी करेक्ट हो गया, देव अकेले 6 घंटे में कार कर सकता है। आप कौन निकालना है तिवारी का टी का निकालना है, तो टी का निकालने के लिए क्या करें डी प्लस एच को सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल से तीनों लोगों से, टी प्लस डी प्लस एच माइनस किया तो कितना मिला 1/2 - 1/6 1/2 - 1/6 दिस इज इक्वल टू 1/3 कितना रहा 1/6। तो क्या मिला यहाँ से कि तिवारी 3 घंटे में काम को कर सकता है, तो ये भी आंसर करेक्ट, तो हमें नॉट करेक्ट चाहिए। आगे समझ में, रिप्लाई दे दीजिए। यस सर, आ गया। चलो 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 आगे, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये चलिए दिख रहा है, ये लिखा है अब्दुल कैथरीन, कट रहा है थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा कट रहा है, नीचे ले आते हैं, इतना नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसके आगे लिखा हुआ है अब्दुल कैथरीन से तिगने, अब्दुल कैथरीन से तिगने तथा बिनोय से दुगने, है ना, दूरी चलता है। अब्दुल कैथरीन से, कैथरीन माना कितना पार्ट है, तो कैथरीन से 3 times तिगना, 1 2 3 ओके, 1 2 3 ये कैथरीन हो गया, ये अब्दुल हो गया, बट बिनोय से दुगनी, तो ये जो दूरी तय करेगा तो बिनोय की हाफ, यानी कि बिनोय की हाफ इतना हो जाएगी, ये बिनोय हो गई यहाँ तक, हाफ तक, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये अब्दुल कैथरीन से तिगने बट बिनोय से, तो बिनोय की डिस्टेंस ये हुई दुगनी, दूरी तय करता है। अब क्या कह रहा है कि कैथरीन की चाल अब्दुल की गति का 1/3, कैथरीन की चाल अब्दुल की गति का 1/3 means यदि हम k की x चाल ले लें, इसका स्पीड क्या ले लें कैथरीन का x, तो अब्दुल का कितना होगा 3x स्पीड, अब्दुल की कितनी होगी स्पीड 3x, बट विनोय की गति का 1/2 है, कैथरीन की जो गति है विनोय की गति से 1/2 है, तो विनोय की स्पीड क्या हो जाएगी 2x, स्पीड इसकी 3x, इसकी x, इसकी 2x, ओके, समझ में आ गया इतना। आप बताइए कि जब वो एक ही टाइम से तीनों चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो देखिए ये इसकी x स्पीड है, सपोज किया कि जान लो 10 स्पीड है इसकी, तो 10 में 1 किलोमीटर कवर किया उसने, ओके, इसकी 30 किलोमीटर स्पीड है तो 3 किलोमीटर कवर करेगा, तो ये तो दोनों बराबर कवर कर लिए, लेकिन इसका यहाँ पर तो 2x है, दुगना है, तो यहाँ पर तो उसको 1 मिनट लगा, यानी कि 10 मिनट लगा, मतलब 15 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, इसकी दुगनी कितनी स्पीड है, तो
दुगना टाइम है, मतलब ये कहां पहुंच जाएगा उतने टाइम पे, यहां यहां तक पहुंच जाएगा विनोय विनोय, क्योंकि इसका दुगना पहुंच जाएगा ना, दुगनी स्पीड है उतने टाइम में, तो विनोय कहां पहुंच जाएगा उतने टाइम में, 10 मिनट में यदि बात करें तो, ये यहां पहुंच जाएगा 10 मिनट में, लेकिन उसको तो उसका डेस्टिनेशन पहले है, तो वो सबसे पहले यहां पहुंच जाएगा, 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। समझ में आया या फिर से बताया जाए? बताइए बताइए, बोलो बोलो। हेलो, क्या हुआ, रिप्लाई दीजिए। क्या 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 हुआ अंजलि, अर्जुन, नविता, रिपीट कर दें। ओके ओके, नो सर, नो सर, चलो बताते हैं। देखो फिर से बता देते हैं सर, एक तो क्वेश्चन भी ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, नहीं तो देखिए मोबाइल तो नहीं खराब है, नहीं सर हमें नहीं दिख रहा, बिलास जो आप बताइए उस पे देखिए या तो। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये बताइए ये सही लिखा हुआ सही दिख रहा है, ये जो लिख रहा है बीच में सही आता है फिर गड़बड़ हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा तो जब गड़बड़ हुआ करे ना तो आप बोला करिए, लास्ट में हुआ था। अच्छा अच्छा, कंप्रोमाइज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, इतना सब खर्च किया जा रहा है कंप्रोमाइज के लिए थोड़ी ना किया जा रहा है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं, ठीक, तुरंत रिप्लाई दे दीजिए क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार बता देते, रिपीट कर देते हैं। ओके, लिखा हुआ है अब्दुल कैथरीन से तिगने दूरी, ठीक है फिर से रिपीट कर देते हैं हम। वैसे पहली बार में समझा करो अच्छे से समझ में आएगा, जो पहली बार क्वेश्चन नहीं बताया करें ना, बिल्कुल फुल कंसंट्रेट से समझा करो। हाँ दिख रहा होगा आपको, एकदम सही दिख रहा है ना, रिप्लाई देते रहो बेटा, है ना, बोलते रहो अब, इससे भी तो होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम टाइप करवा के क्वेश्चन करो तो सही आएगा। क्लियर है पूरा, बहुत सही, चलिए चलिए ओके, अब हम समझ गए प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है, इसको कहने को तो स्क्रीन फुल साइज स्क्रीन पे लाना है। ओके चलिए फिर से पढ़िए, अब्दुल कैथरीन से तिगनी दूरी कवर कर रहा है, तिगनी दूरी, बिनोय से दुगनी, तो अब्दुल के तीन पार्ट पहले हम बना लें, अब्दुल के तीन पार्ट हो गए, लेकिन किसके तीन पार्ट है, कैथरीन से, तो कैथरीन का तो एक हिस्सा होगा ये अब्दुल, ये कैथरीन, यहां पर बिनोय है, ठीक है, बिनोय से दुगनी, सपोज कीजिए कि ये 3 मीटर है पूरा, तो बिनोय का कितने लेंथ होगी, कितने डिस्टेंस होगी बताइए, 2 1.5 अब्दुल कैथरीन से तिगनी, कैथरीन 1 मीटर, तो अब्दुल के कितना 3 मीटर, बट बिनोय से दुगनी, बिनोय से दुगनी डेढ़ होगी बिनोय की, तभी तो ये दुगना हुआ, आ गया ना समझ में, अब स्पीड देखना है यहाँ पर, कैथरीन की स्पीड अब्दुल की स्पीड से 1/3 मीन्स, यदि कैथरीन की स्पीड हम x ले लेंगे तो अब्दुल की स्पीड 3x हो जाएगी, आराम समझ में, कैथरीन की स्पीड अब्दुल की स्पीड से 1/3 है, तो कैथरीन की स्पीड हमने 1x लिया तो अब्दुल की स्पीड कितनी हो गई 3x, राइट, और बिनोय की स्पीड का कितना है 1/2, तो बिनोय की स्पीड कितनी होगी 2x, बस अब ये बताइए ये 3x, सपोज करो एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, स्पीड 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 इसकी 3x है, इसकी x है, इसकी 2x है, सपोज कर लीजिए x बराबर हमने 10 ले लिया,
या एक ले लें, एक्स बराबर एक ले लें, तो ये 3x का कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड, इसकी 1 मीटर पर सेकंड, इसकी 3 मीटर पर सेकंड और इसकी 2 मीटर पर सेकंड, ओके? समझ में आ गया ना यहाँ तक? यस सर। यस। अब बताइए एक सेकंड में कितना चल रहा? 3 चलाना है एक सेकंड में 3 मीटर, तो एक सेकंड में पूरा कवर हो गया एक ही सेकंड में, राइट? ये कितना कह रहा है? 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 1 सेकंड में ये पूरा कवर कर ले रहा। ये क्या कह रहा है? 1 सेकंड में 2 मीटर, तो सबको एक एक सेकंड ले रहा टाइम, लेकिन ये 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 2 मीटर। 2 मीटर, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है कुल? 1.5 मीटर। तो 1 सेकंड से कम टाइम लगेगा इसको। डिस्टेंस कम है इसलिए जल्दी पहुंच जाएगा, आ गया समझ में? यस यस यस, डिस्टेंस कम है। यदि इसकी 2 होती यहाँ पर तो बराबर बराबर साथ साथ पहुंचते, ये लिखा जाता, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। यदि विनोय की डिस्टेंस 2 मीटर होती तो, लेकिन विनोय की लेंथ कुल 1.5 मीटर ही है, और 1.5 मीटर कैसे है? अब्दुल के, अब्दुल ही तो है, हाँ, अब्दुल के हाफ, अब्दुल के 3 है। चलिए आगे चलें। यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पे चल रहे हैं इंग्लिश वर्जन, देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन दिख रहा है? यस यस सर, क्लियर। ठीक, चलो पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है? फॉर अ सर्टेन रेगुलर सॉलिड नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल नंबर ऑफ एज प्लस 2। कोई हमारा रेगुलर सॉलिड है, ठीक है, रेगुलर सॉलिड है, क्या कह रहा है उस पर कि फेसेस प्लस वर्टिसेस इक्वल नंबर ऑफ एज प्लस 2, इक्वल होता है। अब याद करें थोड़ा सा कि यदि हम वो लें ट्रायंगल का कोई ठोस लें सॉलिड, सॉलिड में 3D पे बात होगी, सॉलिड होगा तो 3D पे बात होगी, तो सबसे पहले 3D में क्या आएगा? सबसे पहले 3D में ट्रायंगल टाइप क्या आएगा ना, एक ऐसे पिरामिड, कौन कौन तो अलग हो गया, क्या कह रहे हो? तेज बोलो थोड़ा सा, बताइए बताइए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें सोच के कि एक हमने सिक्स फेज हो दिया, सिक्स फेज का ये क्यूब, ओके, सॉलिड, ये तो समझ में आ गया होगा सॉलिड। अब इसमें बताइए, गलत बनाया सर थोड़ा सा, ये बताइए इसमें फेसेस कितने होते हैं? कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, या ना? वर्टिसेस कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4 और नीचे 4, 4 वर्टिसेस होते हैं। नंबर ऑफ एज, साइडें कितनी हैं? तो साइडें देख लीजिए, 4 तो ऊपर होती हैं और 4 ही नीचे होती हैं और 4 किनारे बगल से होती हैं। टोटल कितने हो गए? 12। अब देखो
नंबर ऑफ फेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेस प्लस वर्टिसेस, फेस प्लस वर्टिसेस, गलत लिख दिया ना, एट वर्टिसेस होंगे यहाँ पर, फोर ऊपर फोर नीचे, एट वर्टिसेस वर्टिसेस होंगे, ठीक है। कितना हो गया इनका सम, 14। नंबर ऑफ एज कितना है, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। मतलब कि ये हमारा सॉलिड श्योर हो गया, फिक्स है, सॉलिड कैसा हो गया हमारा, करेक्ट। मतलब कि हम एक क्यूबिक लें, क्यूबिक तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है क्यूबिक, इतना तो समझ में आ गया। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि पिरामिड टाइप का, ट्रायंगल टाइप का लें कि क्यूबिक टाइप का लें। अब पांच का यदि आप सॉलिड लेंगे, है ना, देखा, तो वो तो और डेंजर हो जाएगा, काउंट ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। तो ये यहां से क्लियर हो गया है कि ये हमारा क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। हाँ, अब क्यूबिक क्योंकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है, नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ यहां से एज प्लस टू इक्वल है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देन अब लिखा है फॉर थ्री सच डिस्टिंक्ट, तीन अलग अलग नॉट टचिंग ईच अदर, मतलब ऐसे तीन हमने ले लिए, क्या किया है, ऐसे हमने तीन ले लिए, ये एक हमने ऐसे लिया, एक और यहां पर ले लिया, ठीक है। अब ऐसे हमने तीन लिए, क्या लिखा है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस फेसेस प्लस वर्टिसेस, देख लीजिए, फेसेस प्लस वर्टिसेस एट, माइनस माइनस एट, कितना है यहां पर, 12। कितना रिजल्ट आ रहा है यहां से, कितना आया, टू टू है, लेकिन लेकिन टू नहीं है यहाँ पर, उसने कितने लिए ऐसे, थ्री। तो आंसर कितने आएंगे हमारे पास, आ गया समझ में, हाँ। एक लिया जाया होता, यदि ये थ्री की बात नहीं करता तो आंसर हमारा टू करेक्ट हो जाता, लेकिन उसने थ्री लिए ऐसे, और वो भी डिस्टिंक्ट लिए अलग अलग, और कंडीशन भी है कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यदि एक दूसरे को टच करने लगेंगे तो ये एज इनकी चेंज होने लगेंगी और फेसेस भी चेंज होने लगेंगे, यदि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो दो फेस है ना, फिर एक फेस बन जाएगा, तो जहां से हमारे सिक्स फेस हैं, यदि इनको एक तरफ से टच कर दिया जाएगा, टच कर दिया जाएगा, तो हमारे पास टोटल फिर 11 फेस निकलने लगेंगे, है ना। तो इसलिए उसने कंडीशन दे दी कि नॉट टचिंग ईच अदर, जब टच नहीं कर रहे तो अलग अलग है, ओके। चलिए नेक्स्ट, आगे चले, इसको रिपीट करें, ये तो आ गया बच्चों वाला क्वेश्चन, है ना। पहले तो देखिए रीजनिंग में, ये स्लाइड इस तरह से रखी है, ये स्लाइड इस तरह से रखी हुई है, ये स्लाइड इस तरह से रखी हुई है, तो जो ऑप्शन होगा तो उसमें स्लाइड हमारी इस तरह की रखी होगी, इस तरह की रखी होगी, हाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये देखो, सबसे पहले ए पोजीशन पे इसके परपेंडिकुलर है बीच में, फिर बी पे इसके परपेंडिकुलर गया, ये आउटर साइड वाला है ना, ओपन रिंग, फिर सी में इस तरफ परपेंडिकुलर गया बीच में, तो डी में कहां जाएगा, नीचे, तो एक ही मिल रहा है नीचे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन
नंबर फिफ्थ, दिख रहा है? ओके चलिए, क्या लिखा हुआ है? ABCD at point on a circle with AB equal to 5. चलिए, AB equal to 5, A हमारा यहां है, B हमारा यहां है, और AB equal to कितना हो गया? 5. लिखा है फिर BC 12. B के बाद कहीं C होगा हमारा, ये कितनी है? 12. और AC 13 है, अब A को C से मिला दो तो ये कितनी हो जाएगी? 13. और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि ये 5 तो ये 12 और ये 13 है तो ये परपेंडिकुलर होता है. Yes, sir. पता है ना ये चीज? तो जैसे 3, 4, 5 साइडें लिख दी जाए कि एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो डेफिनेटली एक एंगल राइट एंगल बन रहा होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस से इक्वल टू इसके, तो ये 90 बन रहा होगा. वही यहाँ 5, 12, तो ये 90 बन रहा होगा. और सर्किल पे यदि एक एंगल 90 बन जाए तो ये कहाँ से पास होती है? सेंटर से. या सेंटर से पास होती है, सेमी सर्किल बन गया. फिर लिखा है कि AD 7 सेंटीमीटर, कहीं भी AD है हमारा, ये 7 सेंटीमीटर है, तो DC निकालना है. तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल हो गया अपोजिट साइड का. हाफ सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल, हाफ जी जोड़ दिया हमने, ठीक है, ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा अपोजिट साइड में. और हमें जब अपोजिट साइड में ये सेमी सर्कल हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120. और 120 का क्या करना है? रूट निकालना है ये साइड निकालने के लिए बाय पाइथागोरस. तो आंसर कौन सा आ जाएगा? अप्रोक्सीमेशन आंसर है हमारे पास 11. समझ में आ गया होगा, कैलकुलेट कर लीजिए. बताइए बताइए बताइए. यस सर, आ गया. आ गया ना, 121 बन रहा है, बट वो अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है ना. ओके क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. चलिए, क्या लिखा है? उस चार अंकों की संख्या का चयन करें जिसमें पहले और चौथे अंकों का गुणनफल 40 है तथा बीच के अंकों का गुणनफल 28 है. इस संख्या के हजारवें स्थान का इकाई का अंक के उतना ही कम है जितना कि 100 पहले से, ठीक है? तो ये तो हम ऑप्शन से ही करेक्ट करते हैं. क्या लिखा है? पहले और चौथे का मल्टीपल 40 और सेकंड और थर्ड का मल्टीपल 28. तो ये तो सब में दिख रहा है हमें, ऐसा दिख रहा है. 5 8 जा और 7 4 जा, 7 4 जा, 5 8 जा, 5 8 जा, 7 4 जा, 7 4 जा, ये तो सब में मिल गया. पहली चीज तो कोई फायदा नहीं उसका. फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि इकाई का, नहीं नहीं इकाई का नहीं है, हजारवां स्थान है ना, 1000 पहले. 1000 वाला देखिए, 1000 के स्थान का अंक इकाई के अंक से उतना ही कम है, तो बड़ा कौन सा होगा ये बता दो पहले हमें. 1000 वाला बड़ा होगा या इकाई वाला बड़ा होगा? 1000 वाला बड़ा होगा या इकाई वाला बड़ा होगा? इकाई वाला. बहुत सही. तो ये तो कट हो गए क्योंकि इकाई वाला बड़ा होना चाहिए 1000 से. तो दो ऑप्शन हमारे पास आ गए. फिर यही कह रहा है कि जितना 100 पैलेस का जो डिजिट है वो दहाई के अंक से, 10th डिजिट से उतना ही कम है. तो इसमें कौन सा बड़ा है?
टेंथ या हंड्रेड, टेंथ वाला बड़ा है या हंड्रेड वाला, है ना? सीधे कह रहा हाँ, दहाई के अंक से कम है तो इससे ये कम है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे, समझ में आ रहा है इसका मतलब। सेवेंथ, थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि इसमें फिगर है और ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे, बट हम ऑप्शन यहां लिख देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है टू रेस टू वन, सेकंड ऑप्शन है रूट थ्री रेस टू फोर, थर्ड ऑप्शन है फोर रेस टू वन, फोर्थ ऑप्शन है एट रेस टू वन। रेशियो निकालना बेटा, ये आपने एक दिन बनाया था कि ये कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एरिया बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल, ये जस्ट मिडिल है इसका, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, वन टू थ्री फोर टाइप होगा। अभी इसकी बात नहीं करना है अंदर वाले की, बट बाहर वाले की बात कर लेते हैं। यदि इसकी सब एरिया इक्वल होंगे, हाँ सब एरिया इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर। यदि हम पूरे का इससे करें तो वन बाई फोर पार्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ये वाली बात कर रहे हैं अभी हम इसकी, इसके टोटल से हो जाएगा। अब इसको देखना है, इसको देखना, ये इसके बराबर है, ये ऊपर का ट्रायंगल इसके बराबर है, तो पूरा है ना ये वाला, ऐसा थोड़ी है कि एक दो तीन चार, तो जब पूरा है और ये पूरा इसके बराबर है, तो इसमें इतने इतने छोटे छोटे कितने पार्ट बन रहे, चार पार्ट बन रहे, देखिए वन टू थ्री फोर बन रहे ना, चार पार्ट, वन टू थ्री फोर, ये पूरा वाला, पूरा वाला इसके बराबर है, और इसमें इतने छोटे छोटे कितने पार्ट बन रहे, वन टू थ्री फोर। यस सर। तो आंसर आपको मिल गया, वन और ये पूरा फोर। कोई डाउट? नबिता, शालिनी, सुमित बोल नहीं रहे कोई लोग, अर्जुन, अर्जुन का रिप्लाई आने वाला है अभी, देखिएगा आ गया सर। यस, देखा, अर्जुन को तो बस जगाने की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट, अर्जुन समझ में आ रहा है कि बस बोलते ही हैं? आ गया, आ रहा है श्योर? मैथ के स्टूडेंट है, इससे बताओ प्रूफ कैसे करा जाए। बताइए बताइए अर्जुन, बताइए कैसे प्रूफ करा जाए कि समझ में आ रहा है। फॉर्मूला लगा कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, यह पढ़ लो और अपने आप से सॉल्व कर लो। ये कोई मैथ का क्वेश्चन थोड़ी ना है, यह मैथ थोड़ी ना चल रही है, यहां पर 10% मैथ रहती है 100 में, ठीक है, बाकी चलता है क्या, ब्रेन, मैथ नहीं चलती यहां पे। लिखा है एक मेढक एक उछाल में ठीक एक मीटर की दूरी तय करता है, कम से कम कितने उछालों में वह 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर पहुंच सकता है। यदि इस क्वेश्चन को पहली बार ना बताया जाए तो पहली बार में कोई कोई क्या मतलब मैक्सिमम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा रिप्लाई दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट या फोर्थ या सेकंड या थर्ड, है ना, विदाउट चीटिंग। अर्जुन
नहीं समझ में आ रहा था। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि दिखना है, दिख नहीं रहा है? सोल्यूशन नहीं समझ में भी आ रहा है। अच्छा अच्छा सोल्यूशन क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ के बस कर देना है। एक मेढक एक उछाल लगाता है तो 1 मीटर की दूरी तय करता है वो, समझ गए? कम से कम कितने उछालों में, ज्यादा नहीं, कम से कम कितने उछालों में वह 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है वहां पर पहुंच जाए? फर्स्ट वाला, एक ही उछाल में, एक ही उछाल में 10 सेंटीमीटर पर थोड़ी पहुंचेगा, वो तो 1 मीटर पे जाएगा एग्जैक्टली। ये देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा, एग्जैक्टली 1 मीटर कवर कर रहा है वो। तो फोर्थ वाला बाकी लोगों का आंसर सालनी का ही आंसर था क्या ये? सर शायद सेकंड ऑप्शन, शायद शायद कैसे? सॉलिड क्यों नहीं, कंफर्म क्यों नहीं, शायद क्यों बताओ बताओ बताओ। सर एक उछाल में 1 मीटर दूरी तय कर रहा है और वो दूसरी उछाल में शायद वापस आके उस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर, अरे 1 मीटर एग्जैक्टली, ठीक एग्जैक्टली 1 मीटर पे पहुंचेगा तो वहां आके वो फिर वहीं आ जाएगा ना? नहीं सर, दूसरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना वो डायरेक्शन। यस यस यस, सही 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 बैठो ना। यहाँ पर मेढक है, 1 मीटर यहाँ जंप किया उसने एक बार में, पहला उछाल हो गया उसका। अब उसने दोबारा उछाल लगाया तो वो वहां से कहां से कम से कम उछाला हुआ है 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है यहाँ पर, दूसरे उछाल में 1 मीटर ये फिर उछाल लगाया तो यहाँ आ गया, तो मिनिमम कितने उछाल हो गए उसके? 2 उछाल। आ गया ये वाली दूरी, ये 10 मीटर पे दूरी स्थित है। अब ऐसा नहीं कि वो वहीं पर थोड़ी ना गिरेगा, थोड़ा सा तिरछा जाएगा ना। अब एंगल थोड़ी ना दिया कि कितने एंगल पे मूव करके जाना है, वो कितना भी कर सकता, ये 10 सेंटीमीटर आ जानी चाहिए। ओके सबकी समझ में आया या नहीं आया? सबकी समझ में आ गया सर। चलिए नेक्स्ट, नाइन्थ। ये तो वो वाले क्वेश्चन है, सी वाले है ना। एक रेलगाड़ी, आप लोग लगाइए, 36 किलोमीटर, यानी कि 36 का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 8 × 36 10 मीटर पर सेकेंड, इतना जरूर लिख लो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर लिखा ना, किलोमीटर पर आवर, तो 10 मीटर पर सेकेंड बन गया, क्योंकि हमारा सेकंड में बात की गई है नीचे, इसलिए हमने सेकंड में चेंज कर दिया। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और वो प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर रहा है वो, लेकिन वो एक सिग्नल, मान लो एक कोई यहां पर साइन है, कोई पॉइंट है, चिन्ह है, वो उस चिन्ह को 8 सेकंड में पार कर रहा है। कितने? 8 सेकंड में पार कर रहा है। तो पहले तो ट्रेन की लेंथ निकाल लो, यहां से ट्रेन की लेंथ निकाल लो, ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 10/8 मीटर। ओके लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया ना समझ में? अरे दूरी बटे समय से आ जाएगा ना, ये होता है ना हिंदी में बोले तो, चार्ज इज इक्वल टू, यही होता है, गलत कर रही है क्या? हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
फाइव नहीं, क्या करेंगे थोड़ा कर देंगे चाल का और समय का, तो हमारे पास स्पीड क्या है 80 मीटर आएगा। ओके ओके 80 मीटर आएगा, उल्टा कर लिया हमने। हमारी लेंथ कितनी हो गई 80 मीटर, किसकी लेंथ और कि वह प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। समझ में आ रहा? अब प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब मालूम है क्या है? ट्रेन की लेंथ इतनी और 20 सेकंड, ये है प्लेटफॉर्म और ये है ट्रेन। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने में पार करेगा? तो प्लेटफॉर्म में पार करने का मतलब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम x ले लेंगे। आगे आंसर आ गया, तो हम ना करें वही दोस्तों बाकी लोगों का आ गया, तो हम इसको कैंसिल कर दें। बता दें यहाँ से टाइम और सॉरी ट्रेन की लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी t प्लस x, और t प्लस x कितना 20 सेकंड में चल रहा। डिस्टेंस t प्लस x, t ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 80, 80 प्लस x यानी कि डिस्टेंस हमारे पास है 80 प्लस x और डिस्टेंस, और ये हमारे पास सेकंड, तो क्या पूछा गया? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है। अच्छा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है, तो इतने को दोनों को पार कर रहा है 20 सेकंड में। बोलो ऑप्शन 120 पहला ऑप्शन, तो कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। वन ट्वेंटी सही है 120।